डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के कोर्स 311 के बारे में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देना चाहूँगा। आपका थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स है SSSC 311, यानी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री 311। इस कोर्स का टाइटल है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। मैन्योर्स यानी खाद, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, और सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता, और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट यानी मृदा उर्वरता का प्रबंधन। तो ये जो कोर्स है आपका, ये पढ़ने से आपको ये मालूम होगा कि किस तरह से मृदा की उर्वरता का प्रबंधन किया जा सकता है, किस तरह से खेत की मृदा की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है जिससे किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके। अब इसमें मैन्योर्स यानी खाद का क्या परिभाषा है? मैन्योर्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच हैव एबिलिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म बल्कि इन नेचर, हैविंग लो एनालिटिकल वैल्यू, हैविंग नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स। यानी मैन्योर्स के इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं डेफिनेशन में, पहला दे रखा है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, दूसरा ये पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, तीसरा इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, चौथा इनका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, पांचवा ये एनिमल या प्लांट्स से प्रोड्यूस होते हैं, उनके वेस्ट से या उनके बाई प्रोडक्ट्स से। तो इस तरह से आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, खाद वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, इनका कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, और ये पौधे तथा जानवरों के अवशेष या उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स से तैयार किए जाते हैं। अब नेक्स्ट अपना आ गया फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर यानी उर्वरक। उर्वरक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स आर डिफाइंड एज इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैविंग हाई एनालिटिकल वैल्यू, कैपेबल ऑफ सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म, हैविंग डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज। यानी आपको वही डेफिनेशन एक बार मैन्योर की याद हो गई, इसका मतलब फर्टिलाइजर की भी आप आसानी से याद कर सकते हो। मैन्योर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। मैन्योर्स की लो एनालिटिकल वैल्यू थी, फर्टिलाइजर्स की हाई एनालिटिकल वैल्यू है। दोनों ही पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। मैन्योर्स का कोई निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स का निश्चित केमिकल कंपोजिशन होता है। मैन्योर्स एनिमल और प्लांट ओरिजिन के हैं, ये इंडस्ट्रीज में उद्योगों में तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों की डेफिनेशन कुछ टर्म्स याद रख के दोनों को डिफाइन कर सकते हो। यदि हिंदी में इसको आपको डिफाइन करना हो तो फर्टिलाइजर्स को कैसे डिफाइन करोगे? उर्वरक वे अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त रहती है और उनका रासायनिक संगठन एक निश्चित होता है, और ये उद्योगों में तैयार किए जाते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन से ही मैन्योर और फर्टिलाइजर में जो अंतर है, मोटा मोटा अंतर है, उसका पता लग जाता है। अब इस कोर्स में तीसरा एस्पेक्ट आता है
सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी यानी मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता को कैसे परिभाषित करेंगे? सॉइल फर्टिलिटी इज डिफाइंड एज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट, इन एडिक्वेट अमाउंट्स एंड इन सूटेबल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट। सॉइल फर्टिलिटी दो तरह की हो सकती है, एक तो नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी और एक एक्वायर्ड सॉइल फर्टिलिटी। नेचुरल या प्राकृतिक मृदा उर्वरता वह है जो कि मृदा में उपलब्ध रहती है, और एक्वायर्ड मृदा उर्वरता वह है जो मृदा में खाद या उर्वरक डालने के बाद में हो जाती है, उर्वरता हो जाती है। तो जो मृदा उर्वरता है, सही मायने में उसकी डेफिनेशन इनहेरेंट फर्टिलिटी की डेफिनेशन है ये, कि सॉइल फर्टिलिटी इज डिफाइंड एज इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट्स एंड इन सूटेबल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट। यानी मृदा उर्वरता मृदा की वह क्षमता है जो कि पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में पौधों को उपलब्ध करवा सकती है और उनका निश्चित प्रपोर्शन है और उनका कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। यानी सभी पोषक तत्व इस तरह से उपलब्ध रहते हैं मृदा में कि एक पोषक तत्व की उपलब्धता दूसरे पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा को उपलब्धता को प्रभावित करती है, उसको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ाती है तो वह सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। इस तरह से पोषक तत्वों में भी आपस में एंटागोनिस्टिक और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, और सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट भी इसमें मृदा उर्वरता के तहत आ जाते हैं। यानी कि एक निश्चित प्रपोर्शन में वह उपलब्ध रहते हैं जिससे कि एक दूसरे का पोषक तत्वों का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, और कोई भी पोषक तत्व इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है जिससे कि उसका टॉक्सिक प्रभाव पड़े। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, सॉइल फर्टिलिटी है ये इनहेरेंट या नेचुरल। हो सकती है या फिर एक्वायर्ड। इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। अब चौथी टर्म इसमें आपके कोर्स में आता है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, यानी मृदा उर्वरता का प्रबंधन। मृदा उर्वरता का प्रबंधन किस तरह से करते हैं? जैसे कि आपने इसकी परिभाषा में देखा है सॉइल फर्टिलिटी के में, कि सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और वह एक दूसरे संतुलित हों जिससे एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट उन पर नहीं पड़े और कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं पड़े। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, ये तीनों के तीनों आस्पेक्ट डिटेल में आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। और इसका सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ। इसमें थ्योरी में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, उसके बाद में प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की एंड कंसंट्रेटेड मैन्योर्स। जो मैन्योर्स हैं इनको मोटे मोटे दो भागों में बांटा जा सकता है, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। तो इन दोनों तरह के ऑर्गेनिक मैन्योर्स की गुणधर्म और उनके तैयार करने की तरीका ये आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रीन ऑब्लिक लीफ मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग भी एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैन्योरिंग का ही पार्ट है, परंतु इसकी अलग इम्पोर्टेंस है इसलिए इसको अलग से दिया गया है। फिर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, अब मैन्योर से अल्टीमेटली क्या बनता है,
ग्रीन मैन्योरिंग से या कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर से या बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से, अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्लुएंसेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इनका मृदा उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। फिर अगला टॉपिक है आपका ह्यूमिक सब्सटेंसेज। ऑर्गेनिक मैटर का फर्दर डिकम्पोजिशन होने के बाद में कुछ स्टेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, सिंथेसिस होता है, रीसिंथेसिस होता है और अल्टीमेटली स्टेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और ये प्रोडक्ट्स ह्यूमिक सब्सटेंसेज उनमें एक है, ह्यूमिक एसिड है, फल्विक एसिड है, हिमेटोमेलेनिक एसिड है, हिमेटोमेलेंस है। तो इस तरह से ये सब्सटेंसेज बन जाते हैं, इनमें ह्यूमिक सब्सटेंस आप पढ़ेंगे, इनकी नेचर और प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद में आपका आता है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक, पोटेशिक, सेकेंडरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, नैनो फर्टिलाइजर्स, सॉइल अमेंडमेंट्स, फर्टिलाइजर स्टोरेज, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। तो ये सभी तरह के फर्टिलाइजर पढ़ने के बाद में नैनो फर्टिलाइजर रिसेंटली डेवलप्ड फर्टिलाइजर्स हैं। पहले नैनो फर्टिलाइजर्स नहीं आते थे, परंतु आजकल नैनो फर्टिलाइजर्स भी मार्केट में आने लग गए। इफ्को ने भी नैनो फर्टिलाइजर बनाए हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स की खासियत ये है कि बहुत कम मात्रा में इतना ही प्रभाव आता है जो फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा मात्रा का प्रभाव होता है। फिर इसके साथ साथ सॉइल अमेंडमेंट्स, मृदा सुधारक जो हैं वह भी इसमें ले लिया गया है। फर्टिलाइजर्स को किस तरह से स्टोरेज किया जाए जिससे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़े, वह भी इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FCO है, तो इसमें क्या है कि फर्टिलाइजर्स का स्पेसिफिकेशंस दे रखा है कि कितनी मात्रा इसमें न्यूट्रिएंट की होनी चाहिए। यदि उससे कम मात्रा में न्यूट्रिएंट हों तो वह सब स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर माना जाता है और वह अमान्य है। तो उसके बारे में भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन, मृदा उर्वरता की इतिहास बताया जाएगा, किस तरह से ये मृदा उर्वरता के बारे में बात आई और किस तरह से ये आगे बढ़ी। क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी असेंशियलिटी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट के पोषण के लिए असेंशियल हैं। फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, रोल, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो जो पोषक तत्व हैं उनका क्या रोल है, उनके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम हैं, क्या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हैं, ये इसमें पढ़ाया जाएगा। मैकेनिज्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट टू प्लांट्स, किस तरह से सॉइल से प्लांट में न्यूट्रिएंट जाते हैं और वह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचते हैं, उसका जो मैकेनिज्म है वह इसमें पढ़ाया जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स, कौन कौन से कारक हैं जो पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं वह पढ़ाए जाएंगे। सॉइल फर्टिलिटी इवेल्युएशन, यदि आप किसी फील्ड की फर्टिलिटी का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो किस तरह से उसका मूल्यांकन करोगे, कौन कौन से पैरामीटर आप उसमें मापोगे, तो वह इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, किसान अपने खेत की सबसे पहले मिट्टी का टेस्ट करवाता है, उसके आधार पर किसान समझ लेता है कि मेरे मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या स्थिति है। तो बड़ा प्रैक्टिकल यूटिलिटी का टॉपिक है ये सॉइल टेस्टिंग। फिर क्रिटिकल लेवल्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, सॉइल में एक क्रांतिक मात्रा होती है कोई भी पोषक तत्व की, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पोषक तत्व है उस पर्टिकुलर मृदा में कम है, पर्याप्त है या अधिक है। इंडिकेटर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि अमुक पोषक तत्व
की डेफिशिएंसी है, क्योंकि उसमें सिम्टम्स एकदम उभर कर आ जाते हैं। मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशंस टू क्रॉप्स, किस तरह से किसानों को उर्वरक की सिफारिश की जाती है विभिन्न फसलों में, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, कौन कौन से कारक हैं जो पोषक तत्वों की उपयोग को प्रभावित करती हैं, वह सारे के सारे कारक पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि उन कारकों को ध्यान में रखा जाए और पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा सके। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल रासायनिक उर्वरक काफ़ी महंगे हैं और जो खाद हैं उनकी अपनी उपयोगिता है, इसलिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको बताया जाएगा। इस तरह से ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, इससे आपको बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।